भाविका नमस्कार दर्शक मित्रों वीटीवी विशेष रजूआत भविष्य दर्शन कार्यक्रम में आपनु स्वागत है। हूँ छुं अंकुर रावल। दर्शक मित्रों भविष्य दर्शन कार्यक्रम जेमां अमे आपने पंचांगनी माहिती आपीए छीए, साथे ज जेनी आज जन्म तारीख है, जेनी आज मेरेज एनिवर्सरी है, आवनारू वर्ष तेमनुं केवुं रहेशे, साथे ज दिन विशेष में शुं छे, आज खास कयो उपाय करशो जेथी सुख समृद्धि अने शांतिनी आपने प्राप्ति थाय, साथे ज आज शनिवार है, आज कयो उपाय करशो तो तमने सफलता मळशे, मनोवांछित जे कार्य जे बाकी रह्यु छे ते कार्य क्यारे पूरी थशे, तमाम मुद्दे मारा ज्योतिषाचार्य आपने माहिती आपशे। साथे ज 12 राशिओनुं राशि भविष्य शुं, आजे शुं करवुं शुं न करवुं, कयो मंत्र जपवो जोईए, कयुं दान आपवुं जोईए, तमाम मुद्दे मारा ज्योतिषाचार्य आपने माहितगार करशे। तो आज मुद्दे आपनी साथे स्टूडियो में जोड़ाया छे ज्योतिषाचार्य मुकुंद भाई पंड्या। मुकुंद भाई स्टूडियो में आपनुं स्वागत। सुप्रभात, धन्यवाद। मुकुंद भाई सौथी पहेला आजनुं पंचांग शुं ते आपणा दर्शक मित्रोने जणावशो। आपदाम कतितः बन्धा इंद्रियाणा च संयमम तज्जयः संपदा मार्गो ये नष्टम तेन गम्यताम। वाला सर्व दर्शक मित्रों ने सुप्रभातम, साथे साथे जय गणेश। दर्शक मित्रों आपे इटली नुं नाम तो सांभळ्युं ज हशे। इटली थी आपणे बधा वाकेफ छीए के ज्यां सुर संगमनो खास करीने घणो बधी वस्तुओ जोवामां आवती होय छे ने एक सुंदर मजानो देश, एक सुंदर मजानी वस्तु। तो आ दर्शक मित्रों आपणे इटलीनी वात करी रह्या छे के इटलीनी अंदर एक वायोलिन वादक होय छे, गिटार वादक होय छे, बहु सारी एवी पोते गिटार वगाड़तो होय छे, वायोलिन वगाड़तो होय छे, दरेक व्यक्तिओने पोते मंत्रमुग्ध करी देतो होय छे। घणा बधा फंक्शननी अंदर एने बोलाववामां आवतो, गिटार वगाड़वामां आवती अने ए गिटारने सांभळी अने लोको मंत्रमुग्ध थई जता हता, कारण के आपणा कर्ण सारू सांभळवा माटे प्रेरित थता होय छे ने एटला माटे सारू कोई वस्तु गातो होय, सारी कोई वस्तु वगाड़तो होय तो आपणे एना प्रत्ये आकर्षित थता होईए छीए। एवी ज रीते दर्शक मित्रों ए व्यक्ति एक वखत एक फंक्शन नी अंदर पोते गिटार वगाड़वा माटे जाय छे। जारे पोते गिटार वगाड़वानी चालू करे छे तो लोको मंत्र मुग्ध बनी गया, वगाड़ता वगाड़ता एक गिटारना 3 तार मानो एक तार तूटी गयो तो 2 तार उपर पण ए व्यक्तिए पोतानी जे मानसिक शक्ति छे आ मानसिक शक्तिने जाळवी राखी अने पोते गिटार वगाड़वानुं चालू राख्युं। लोकोने खबर ज न पड़ी के 2 तार उपर गिटार वागी रही छे। वड़ी पाछी थोड़ीक वार थई अने एक तार वड़ी पाछो तूटी गयो ने एक तार उपर ए व्यक्तिए गिटार वगाड़ी, लोकोने मंत्रमुग्ध करी दीधा। ज्यारे गिटार परिपूर्ण थई, मीठा मीठा स्वरो ज्यारे बधाए सांभळ्या ने ए परिपूर्ण थया तो लोको ताड़ीओना नाद द्वारा तेनो सत्कार करवा लाग्या। तो दर्शक मित्रों आ वस्तु उपरथी आपणे शुं शीख मळे छे? आ व्यक्ति कोण छे? आ व्यक्ति छे निकोलो पेगानिनी। आ व्यक्ति इटली नो व्यक्ति होय छे ने ए व्यक्तिए पोतानी जे मंत्र, पोतानी जे बुद्धि क्षमता छे, पोतानी जे दृढ़ निश्चय छे एना द्वारा वस्तुने क्यांक ने क्यांक सार्थक करी। तो आ समयनी अंदर, कोरोना कालनी अंदर आपणे आपणी मानसिक शक्तिने मजबूत करवी जोईए अने जो तमे तमारी मानसिक शक्तिने मजबूत करो तो अवश्य आपणे गमे तेवी वस्तुनी अंदरथी आपणे बहार नीकळी शकीए छीए, गमे तेवा डुंगरोने, गमे तेवी मुसीबतने आपणे पार करी शकीए छीए। आवी ज सुंदर सुविचार साथे करिए आजना कार्यक्रम की शुरुआत, लई आजनु पंचांग। दर्शक मित्रों आज पंचांग की बात करवामां आवे तो तारीख 1/5/2021 नो आज दिवस बनी रह्यो छे। आजे 18 वर्षथी उपरना लोकोने वेक्सिन आपवानो दिवस पण आजथी स्टार्ट थई रह्यो छे। चैत्र महीनानी कृष्ण पक्षनी पंचमी कहेता आजे पांचमनी तिथि छे। मूळ नामनुं नक्षत्र सवारे 10:14 सुधी ने त्यारबाद पूर्वाषाढ़ा नामनुं नक्षत्र रहेशे। सिद्धि नामनो योग अने तैतुल नामनुं आजे कर्ण रहेशे। 12 राशिओनुं भविष्य कथन जेना आधार उपर कहेवामां आवशे चंद्रमानुं भ्रमण। आजना दिवसनी अंदर धन राशिनी अंदर रहेशे एटले आजे जे कोई पण बाळकोनो जन्म थशे तेमनी राशि धन रहेशे, जेना अक्षर भ, ध, फ अने ढ रहेशे। तो आजे जन्मनार बाळकोनुं भविष्य सुंदर, सुखमय, आनंदमय, हर्षमय रहे तेवी शुभकामना साथे जय गणेश। बिल्कुल मुकुंदभाई, जेनी आज जन्म तारीख है, जेनी आज मेरेज एनिवर्सरी है, आवनारुं वर्ष तेमनुं केवुं रहेशे? मार्कंडेय महाभागा। अंकुरभाई शास्त्रोनी अंदर एवुं कीधेलुं छे के कोई पण व्यक्ति ज्यारे मरण पथारीए पड़ेलो होय त्यारे महामृत्युंजय मंत्रना जप करवामां आवे तो अवश्य ए व्यक्ति कर्म पीड़ानी अंदरथी मुक्त थईने एक वखत तो जागृत थाय ज छे। तो एवी रीते ए मृत्युंजय मंत्र द्वारा आजे जे लोकोनो जन्मदिवस छे आवा व्यक्तिओने आपणे आशीर्वाद अर्पण करीए। तो मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, जन्म मृत्युर जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। आजे जन्मनार दरेक व्यक्तिनुं आयुष्य सारू रहे, आरोग्य सारू रहे, तमारी मननी मनोकामनाओ परिपूर्ण थाय तेवी भगवान सांब सदाशिव महामृत्युंजय एवा भगवान शिवना चरण कमलनी अंदर प्रार्थना साथे तमने अने भविष्य दर्शन नी टीम तरफथी तमने ने तमारा परिवारने घणी बधी शुभकामनाओं। वात करी रह्या वर्ष तमारा माटे केवुं रहेशे। दर्शक मित्रों, दरेक वर्षनी एक कुंडली बनती होय छे अने आ वर्षनी कुंडलीनी अंदर बुध अने राहु आ बंने ग्रहो तमारे साथे विराजमान छे। बुध अने राहुनो खास करीने साथे होवाने लीधे जडत्व दोष उत्पन्न करे। जडत्व दोष थतो होवाना लीधे आ वर्षनी अंदर स्वास्थ्यने लगती समस्यामां आपे तकेदारी राखवी बहु जरूरी रहेशे। आ वर्षनी अंदर चामड़ी ने लगता दर्दो, मन ने लगती समस्याओं अथवा तो कोई पण एलर्जी ने लगती समस्याओं न सर्जाय ते अंगे खानपान नी अंदर परहेजी राखशो तो अवश्य आपने सारो लाभ मळी शकशे। आ वर्षमां तमारी मानसिक स्थिति थोड़ी तमारे मजबूत बनती जणाशे। व्यापारी वर्ग ने व्यापार नी अंदर सारो लाभ मळतो जणाय। जे लोको व्यापार करी रह्या छे अने एमां पण जे लोकोने अलग अलग प्रकारनो व्यापार छे, दवाओनो वेपार छे, क्यांय पण जोवा जईए तो अलग अलग प्रकारनी कोस्मेटिक आइटमनो वेपार छे, अलग अलग प्रकारना व्यवसायो तमे करी रह्या छो तो अवश्य आ वर्षनी अंदर तमने सुंदर मजाना लाभो मळवानी संपूर्ण शक्यताओ बनी रही छे। हाँ, नौकरियात वर्ग ने उपली वर्ग द्वारा थोड़ी घणी समस्या सर्जाई शके। तमारा बॉस तमारा उपर आ वर्षमां थोड़ा हेवी थई शके माटे नौकरियात वर्गे समझी विचारीने काम करवू जरूरी छे। पारिवारिक जीवन तमारू मंगलमय बनतुं जणाय। तमारा प्रेम प्रसंगोनी अंदर पण तमने सारा एवा लाभो मळी शके छे। आ वर्षनी अंदर जो तमे लग्न उत्सुक छो, लग्न करवा माटे प्रयत्न करी रह्या छो, लग्ननी उमर थई गई छे तो लाभ मळी शके। पण जो तमारा लग्न थई गया छे तो दांपत्य जीवनमां तमे मधुरता केळवी शकशो। कया उपायो करवा जोईए के जेथी आपने सुंदर मजाना लाभो मळी शके? बनी शके तो आजना दिवसनी अंदर पीपळाना वृक्षनी तमारे पूजा करवी जोईए। पीपळाना वृक्षनी पूजा करो, 5 वखत आजे पीपळानी परिक्रमा करो, प्रदक्षिणा करो अने बनी शके तो गरीब व्यक्तिओने भोजन करावो। अवश्य आपनो दिवस आपनु वर्ष खुशनुमा रहेतुं जणाशे। जय गणेश। बिल्कुल। हवे मुकुंदभाई, खास करीने आजे दिन विशेषमां शुं छे? खास दररोज आपणे दिन विशेषमां अलग अलग मुद्दाओने आवरी लेता होईए छीए, अलग अलग विषय उपर खूब ज छणावटथी आप तेनी रजूआत करता होव छो। आज शुं छे दिन विशेषमां? अंकुर भाई, आम जोवा जईए तो आपणे भविष्य दर्शन कार्यक्रममां ज्योतिषनी पण माहिती आवती होय, वास्तुनी पण माहिती आवती होय, अंकशास्त्रनी माहिती। अरे एनाथी तो विशेष जे व्यक्ति पोते सिग्नेचर करे छे ए सिग्नेचर एना माटे लाभदायी छे के नहीं आ माहिती पण आपणे भविष्य दर्शनमां आपता होईए। तो दर्शक मित्रों, आजे आपणे वात करवानी छे बुधना राशि परिवर्तननी साथे साथे कोविड-19 थी आपणे क्यांक ने क्यांक आगळ घणी बधी समस्याओनो सामनो करी रह्या छीए तो एनी अंदर आपणे शुं वळे? दर्शक मित्रों, दर 100 वर्षे कुदरती प्रकोप आवो आवतो होय छे अने आवो कुदरती प्रकोप क्यांक ने क्यांक दरेक व्यक्तिओने अलग अलग समस्याओ सर्जतो होय छे अने आ प्रकोपनी जे समस्या होय छे 2-2.5 वर्षनी आजुबाजु सामान्य रीते रहेती आपणे जोई छे। जे गूगलनी अंदर तमे सर्च मारशो तो छेल्ला घणा वर्षोनी अंदर दर 100 वर्षे आवे त्यारे आवी वस्तु बनती होय छे। तो दर्शक मित्रों, अत्यारे कोविड-19 थी आपणे बधा ज्यारे कहर मचावी रह्यो छे ने एमां पण आपणा गुजरात प्रदेशनी अंदर आ कोविड-19 नी એટલે કે ભારતની સ્થિતિ પણ ખરાબ છે ને ગુજરાતની સ્થિતિ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ખરાબ છે ને એમાં પણ 30/4 એટલે કે ગઈ કાલથી આગામી સમય સુધી એટલે કે 26/5 સુધી મેષ રાશિમાંથી નીકળી અને વૃષભ રાશિની અંદર બુધ મહારાજનું પરિભ્રમણ છે। બુધને રાજકુમાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આ બુધ મહારાજનું ભ્રમણ 26/5 સુધી વૃષભ રાશિની અંદર રહેશે। जे पोताना मित्रनी राशि है, कोनी राशि है तो कि भाई शुक्र महाराजनी राशि है, जेना लीधे आशा है आपने कि आनी अंदर आ बीजी पीक है पूरी थाय अथवा तो एनी अंदर थोड़ो घणो आपने लाभ मळी शके आवी आशा है। कारण के दर 100 वर्षे ज्यारे आवी वस्तु आवती होय त्यारे 4 पीक आपणे जोई छे एवुं वैज्ञानिको अने डॉक्टरो पण आ वस्तु कहे छे। तो स्वाभाविक दृष्टिए जोवा जईए तो पहली पीक आपणे ज्यारे जोई त्यारे वृद्धोने घणी बधी समस्या सर्जाणी हती अने ए लोकोनी आपणे समस्याओ वधारे जोई, परंतु आ बीजी पीकनी अंदर आपणे जोईए કે યંગસ્ટર્સ ને ઘણી બધી સમસ્યાઓ સર્જાય છે ને એમાં પણ જ્યારે આ બુધનું રાશિ પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આ સમય સમજી વિચારીને રહેવા જેવો છે। કારણ કે આ સમયની અંદર અલગ અલગ નક્ષત્રની અંદર આ બુધ મહારાજનું પરિભ્રમણ થશે અને એ સમયગાળો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા જીવનમાં લાભદાયી અથવા તો નુકસાનદાયી થઈ શકે છે। અલગ અલગ રાશિને પણ લાભ આપી શકે છે। હવે એની અંદર જોવા જઈએ તો 30/4 થી 6/5 સુધી बुध महाराज कृतिका नक्षत्रनी अंदर रहेशे, जे सूर्यनुं नक्षत्र छे। सूर्य अने बुध बंने मित्र छे एटला माटे आ समयगाळानी अंदर आपणने थोड़ा घणा लाभो मळवानी संपूर्ण शक्यताओ बनी रही है। परंतु 6-5 પછીનો જે સમયગાળો છે જે 16-5 સુધી રહેશે એ રોહિણી નક્ષત્રની અંદર બુધ મહારાજનું રાશિ પરિભ્રમણ, બુધ મહારાજનું ભ્રમણ રહેશે જે ચંદ્રનું નક્ષત્ર છે. બુધ અને ચંદ્ર બંને દુશ્મન છે, એટલા માટે 6-5 થી 16-5 સુધીનો સમય હશે. આ સમયગાળાની અંદર આ વસ્તુ વધવાની અથવા તો આ સમયગાળાની અંદર તકલીફો વધારે સર્જાવાની સંપૂર્ણ શક્યતાઓ બની રહી છે. અને 16-5 થી 26-5 સુધીનો જે સમયગાળો બની રહ્યો છે એ મૃગશીર્ષ નક્ષત્રની અંદર રહેશે જે મંગળ મહારાજનું નક્ષત્ર છે. એટલા માટે આની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક બધું સારું થવાનું ચાલુ થાય, સારો લાભ મળી શકે, આ બધી વસ્તુઓ સર્જાવાની સંપૂર્ણ શક્યતાઓ બની રહી છે. દર્શક મિત્રો, હંમેશાને માટે આવો જ્યારે કપરો સમય આવતો હોય ત્યારે આપણે આપણા મન ઉપર કાબુ રાખવો જોઈએ. બુધ બુદ્ધિનો કારક છે, બુધ મિથુન અને કન્યા રાશિનો સ્વામી છે, મીન રાશિની અંદર નીચસ્થ બને છે અને કન્યા રાશિની અંદર ઉચ્ચનો બનતો હોય. બુધ બુદ્ધિનો કારક છે, જ્યારે તમારી બુદ્ધિ સારી રહે, જ્યારે તમે પોઝિટિવ થિંકિંગ કરવાનું ચાલુ કરો, પોઝિટિવ સકારાત્મક વિચારધારા તમે સારી એવી કરો, ત્યારે અવશ્ય આપને લાભ મળી શકે. ને એટલા માટે પ્રાણાયામનું આપણા શાસ્ત્રોની અંદર વિશેષ મહત્વ છે. ઘણા લોકો એમ કહે કે ભાઈ અમે તો રોજ સવારના પોરમાં એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ, અમે ચાલવા જઈએ છીએ, 5 કિલોમીટર ચાલીએ છીએ, 10 કિલોમીટર ચાલીએ, પરંતુ એના કરતા પણ આપણા શાસ્ત્રોની અંદર મનને મજબૂત કરવા માટે પ્રાણાયામનું વિશેષ પ્રકારનું મહત્વ છે. એમાં પણ કપાલભાતી પ્રાણાયામ એ વિશેષ પ્રકારના લાભો આપે છે. અનુલોમ વિલોમ, એના દ્વારા પણ તમે ઉત્તમ પ્રકારના લાભો મેળવી શકો અને તમે તમારા મનને અવશ્ય મજબૂત બનાવી શકો. આ સમયગાળો એવો સમયગાળો છે કે જેની અંદર તમે સારા પુસ્તકો વાંચો તો પણ તમને લાભ મળી શકે. આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ પણ અલગ અલગ ઉપાયો આપણને લાભ આપી શકે. તો આ દર્શક મિત્રો, જે બુધ મહારાજનું ભ્રમણ વૃષભ રાશિની અંદર થવાનું છે, દરેક રાશિ ઉપર અલગ અલગ અસર કરશે. કઈ રાશિવાળા જાતકોને કેવી અસર કરશે અને કેવા એને ઉપાયો કરવા જોઈએ એ આપણે જોવાનું છે. ને સાથે સાથે બુધ ઉત્તર દિશાનો સ્વામી છે. માની લો કે તમારા ઘરની અંદર ઉત્તર દિશા ખરાબ છે, ઉત્તર દિશાને લગતી તમારે સમસ્યા છે. ઉત્તર દિશા એટલે જલ તત્વની દિશા. માની લો તે જગ્યાએ અગ્નિ તત્વ એટલે કે રસોડું આવેલું છે, માની લો કે તે જગ્યાએ કોઈ પણ વસ્તુ આવેલી છે, તો સમજી લેવાનું કે તમારા ઘરમાં આર્થિક ને સ્વાસ્થ્યને લગતી સમસ્યાઓ સર્જાઈ શકે. આ સમયગાળો એવો હોય છે કે જેની અંદર બહેનોને પણ સ્વાસ્થ્યને લગતી સમસ્યાઓ સર્જાય, માટે તમારો બુદ્ધ સારો હશે તો વાણી સારી રહેશે, ચામડીને લગતી સમસ્યા તમારી દૂર થશે, એલર્જીને લગતી તમારી સમસ્યા દૂર થશે અને મેનેજમેન્ટ પાવર તમારો સારો રહેશે. જેનો બુદ્ધ સારો એનું ગણિત પણ સારું. તો દર્શક મિત્રો, આગળ જાણીશું કે આ બુદ્ધનું વૃષભ રાશિની અંદર પરિભ્રમણ તમારી રાશિ ઉપર કેવી અસર કરે છે ને એના માટે કયો ઉપાય કરવો જોઈએ. જય ગણેશ. બિલકુલ મુકુંદભાઈ, હવે શુભાંગ, શુભ રંગ, શુભ સમય, રાહુકાળ, શુભ અશુભ દિશા અને આજની રાશિગાંઠ શું છે તે જણાવશો? દર્શક મિત્રો, આજના દિવસની અંદર કયો અંક તમારું ભાગ્ય ચમકાવી શકે, તો આજે એક અંકનો ઉપયોગ તમે જેટલો કરશો એટલો આપને સારો એવો લાભ મળી શકે. કલરની જ્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આજના દિવસની અંદર કલર તમારા માટે વાદળી અને લાઇટ બ્લુ કલર અવશ્ય આપને સારો લાભ આપતો જણાય. અને જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ શુભ સમયની, તો બપોરે 12:31 થી 1:16 સુધીનો સમય તમારા માટે સારો છે. આ સમયની અંદર જો કોઈ પણ પ્રકારનો શુભ કાર્ય કરવામાં આવે તો અવશ્ય આપને લાભ મળતો જણાય. વાત રાહુકાલની કરીએ. દર્શક મિત્રો, રાહુકાલનો જે સમય છે સવારે 10:06 થી 11:30 સુધીનો છે. આ સમયમાં શુભ કાર્ય ન કરવું તમારા માટે હિતાવહ છે, પરંતુ જો રાહુને લગતી સમસ્યા છે તો ભગવાન શિવની આરાધના આ સમયગાળા દરમિયાન કરવાથી આપને સારો લાભ મળી શકે. આજના દિવસ માટે આપણે વાત કરીએ છીએ બુધની, ને એટલા માટે જ તમારા માટે ઉત્તર દિશા આજે લાભદાયી રહેતી જણાશે. અશુભ દિશાની વાત કરીએ તો આજે અશુભ દિશા તમારા માટે કઈ બની રહી છે, તો આજે અશુભ દિશા તમારા માટે પૂર્વ અને ઈશાન બની રહી છે. આ બે દિશા તરફ આજે તમારે પ્રયાણ ન કરવું હિતાવહ છે. વાત કરીએ દર્શક મિત્રો રાશિઘાતની. 12 રાશિ 27 નક્ષત્રમાં આજે 4 રાશિવાળા જાતકોએ વાણી અને વર્તન ઉપર સંયમ રાખવું બહુ જરૂરી છે. વૃષભ, સિંહ, કન્યા અને મીન, આ 4 રાશિવાળા જાતકોએ વાણી વર્તન ઉપર સંયમ રાખવાથી અવશ્ય આપને સારો લાભ મળી શકે. દર્શક મિત્રો, અત્યારે ઇમ્યુનિટી પાવર વધારવો એ આપણા માટે બહુ મહત્વનો હોય છે, કારણ કે અત્યારનો સમયગાળો એવો છે કે જે સમયગાળાની અંદર આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક જો આપણી ઇમ્યુનિટી સારી હોય તો આપને સુંદર મજાના લાભો મળી શકે. આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે હોય તો આપણે અત્યારે કોવિડ-19ના કહેરની વચ્ચે જે જીવી રહ્યા છીએ એમાં આપણને સારો લાભ મળે. તો આયુર્વેદ એવું કહે છે કે સીતુ ફલાદી ચૂર્ણ સીતું, ફલાદી ચૂર્ણ અને મધ આ સવારે તમારે લઈ લેવાનું, એટલે કે સવારે તમે આ લો અને સાંજે તમે લો, અડધો કલાક લીધા પહેલા અને અડધો કલાક લીધા પછી પાણી કે કોઈ પણ વસ્તુ નહીં પીવાની, તો એનાથી તમારો ઇમ્યુનિટી પાવર વધે છે અને તમને સારામાં સારા લાભો પણ મળતા જણાશે. જય ગણેશ. બિલકુલ મુકુંદભાઈ, હવે મેષ અને વૃષભ રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે? दर्शक मित्रों, बात कर रहा छे गोचर ग्रहों की 12 राशि पर केवी असर, साथे साथे बात कर रहा छे कि ग्रहों ना राजकुमार एवा बुद्ध महाराज नु राशि परिवर्तन 12 राशि पर केवी असर करशे. बात करिए मेषनी. मेषना अक्षर छे अलई, जेनो स्वामी बने छे मंगल महाराज. आवा मेष राशिवाळा जातको माटे आजना दिवसमां आर्थिक बाबते तमने सुधारो जोवा मळशे. नाणाकीय सबलता उत्तम प्रकारनी तमने प्राप्त थती जणाय. आजे परिवारजनों साथे थोड़ी घणी खेंचताण रही शके छे, परिवारजनों साथे मेंटली डिस्टर्बन्स रही शके छे. आजना दिवसनी अंदर बनी शके तो आत्मीयजनों उपर तमारे क्रोध न करवो. तमे जेने तमारा पोताना मानो छो ए व्यक्ति उपर क्रोध न करवो, कारण के संबंध साचववा छे तो आ वस्तुने भूली जावी तमारे बहु जरूरी छे. बाकी संबंधने भूली जवानो, आवी वस्तु उपर ध्यान राखवुं जरूरी. कारण वगरना फालतू खर्च उपर काबू राखवो आवश्यक छे. कयो उपाय आज करवो जोईए? आजना दिवसनी अंदर हनुमान चालीसानो पाठ करी तमारा दिवसनी शरूआत करो. वात दर्शक मित्रों बुध महाराजनी करी रह्या छीए. बुध महाराज जे वृषभ राशिनी अंदर परिभ्रमण थशे, एटले के त्रीजा अने छठ्ठा स्थानना स्वामी बनी अने मेष राशिवाळा जातकोना बीजा स्थाननी अंदर आ बुध महाराज बिराजमान रहेशे, जे तमने तमारा कामोनी अंदर तकलीफो उत्पन्न करावशे, रुकावटो उत्पन्न करावशे, मानसिक चिंताओनो दौर वधारी शकशे. आ समयगाळामां तमारे तमारा स्वास्थ्य अंगे ध्यान राखवुं बहु जरूरी है. कयो उपाय करवो जोईए जेथी आपने सारो लाभ मळी शके? बुधवारे केसरवाळा दूधनो अभिषेक भगवान गणेश उपर करवानो अने गणपति अथर्व शीर्षनो तमारे पाठ करवानो. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि अथर्व शीर्षनो पाठ करवाथी अवश्य तमने लाभो मळता जणाशे. वात करीए वृषभ राशिनी. वृषभना अक्षर छे बवऊ, जेनो स्वामी बने छे शुक्र महाराज. आवा वृषभ राशिवाळा जातको माटे नाणाकीय सबलता प्राप्त करवा माटेना आजे सुंदर मजाना अवसरो तमने प्राप्त थता जणाशे. जूना फसायेला नाणा अवश्य आपने प्राप्त थई शके. परिवारनी अंदर परम शांति जळवाई रहती जणाय. तमारा परिवारनी अंदर शांतिमय वातावरण रहता तमे तमारा कार्यने करी शकशो ने मजबूत बनावी शकशो. परंतु तमारा स्वास्थ्य अंगे परेजी राखवी बहु जरूरी छे, कारण के पहेलू सुखते जाते नरिया. तमे स्वास्थ्यनी सुखाकारी राखशो तो अवश्य सारो लाभ मळी शके. कयो उपाय करवो जोईए? आजना दिवसनी अंदर किष्किंधा कांडनो पाठ सांजे सूर्यास्त पहेला करवाथी अवश्य शनिने लगती समस्यामां तमने राहत मळी शके. वात करीए बुधनुं राशि परिभ्रमण. दर्शक मित्रों, बुधना राशि परिभ्रमणनी अंदर बीजा अने पांचमा स्थाननो अधिपति बनी अने तमारी राशिनी अंदर राहुनी साथे जड़त्व दोष उत्पन्न करी रह्यो छे. राहुनी साथे जड़त्व दोष थतो होवाना लीधे आ समयगाळानी अंदर प्रेमनी अंदर तमने लाभ मळता जणाशे. नेगेटिविटी तमारा उपर न छावी जाए, एटले के नेगेटिविटी वधारे पड़ती न रहे ए अंगे तकेदारी राखवी जरूरी छे. सकारात्मक ऊर्जा तमने प्राप्त थाय ए माटेना प्रयत्न करवा आवश्यक रहेशे. कोईपण प्रकारना निर्णय करवामां ध्यान राखवुं जोईए. बने तो आ समयगाळामां 26 दिवस सुधी योग वधारे करो. योग ध्यान करवाथी तमने सारो लाभ मळी शके. कयो उपाय करवो जोईए? बुधवारे दर बुधवारे गणपति अथर्व शीर्षनो पाठ करो. अवश्य भगवान गणेशनी कृपाथी बुध महाराज तमने सारू परिणाम आपशे. जय गणेश. तो दर्शक मित्रों, भविष्य दर्शन कार्यक्रम में हाल समय थयो छे एक विरामनो. लईए एक विराम. तो विराम बाद भविष्य दर्शन कार्यक्रम में दर्शक मित्रों आपनु स्वागत है. अपनी साथ स्टूडियो में जोड़ाया है ज्योतिषाचार्य मुकुंद भाई पंड्या. मुकुंद भाई, हवे मिथुन अने कर्क राशिना जातकोनो आजनो दिवस केवो रहेशे ते जणावशो? दर्शक मित्रों, बात करी रह्या छीए आपणे गोचरना ग्रहोनी 12 राशि पर केवी असर ने साथे साथे राजकुमारनुं परिभ्रमण श्रृंगारना कारक एवा शुक्रना घरनी अंदर तमारी राशि पर केवी असर करशे. वात करीए मिथुन राशिनी. मिथुनना अक्षर छे कच्छ अने ग, जेनो स्वामी बने छे बुद्ध महाराज. आवा मिथुन राशिवाळा जातको माटे आज मानसिक अशांतिनो अनुभव थतो जणाशे. आजे मन तमारुं डिस्टर्ब रहेशे, एटले मननी चंचलितता वधे नहीं, नेगेटिव विचारधारा वधे नहीं, ते अंगे सकारात्मक विचारधारा तरफ तमारे प्रयाण करवुं जोईए. बने तो आजे ध्यान करवुं जोईए, भगवाननुं नाम लेवुं जोईए, सारो लाभ मळे. मेहनतना प्रमाणमां फळ ओछुं मळतुं जणाशे, परंतु आपे मूंझावानी जरूर नथी. हमेशाने माटे हिम्मतथी आगळ वधो तो अवश्य सारो लाभ मळे. संपत्तिने लगता कोईपण प्रकारना प्रश्नो तमे हळवा बनावी शकशो. आजे शुं करवुं जोईए? ओम मंत्रनो जप मिनिमम 11 वखत करी तमारा दिवसनी शरूआत करो. अवश्य आपने सारो लाभ मळशे. वात करीए मिथुन राशि वाला जातकों ने बुधना राशि परिभ्रमण की केवी असर करशे। तमारी राशिनो स्वामी अने तमारी राशिनो स्वामी अने चौथा स्थाननो स्वामी बनी अने आ बुध महाराज 12मा स्थाननी अंदर विराजमान छे, जेना लीधे तमने चामडीना रोगनी शक्यताओ वधी शके छे। आ समयगाळामां ऋतुगत बीमारीओनी शक्यताओ पण वधी शके छे। तमारो आत्मविश्वास क्यांक ने क्यांक घटतो होय एवुं तमने लागी शके छे। बने तो आत्मविश्वास में वधारो थाय ते अंगेना प्रयत्न करवा जोईए, पॉजिटिव विचारधारा करवी जोईए, ध्यान योग प्राणायाम आ बधी वस्तु करवाथी आपने सारो लाभ मळी शके। कयो उपाय करवो जोईए? बुधवारना दिवसे तमारे मस्तकनी बाजुमां नारियल राखीने रात्रे सुवानुं, बीजा दिवसे सवारना पोरमां ए नारियल भगवान गणेशना चरणकमलनी अंदर अर्पण करी देवानुं। अवश्य गणपति महाराज तमने लाभ करावशे। वात करीए कर्क राशिनी। कर्कना अक्षर छे ड अने ह, जेनो स्वामी बने छे चंद्र महाराज। आवा कर्क राशि वाला जातकों माटे नानुं मोटुं रोकाण करवुं होय तो आपने सारा लाभो मळी शके एम छे। आजना दिवसनी अंदर तमे तमारा कार्योने पूर्ण करवा माटेना प्रयत्न करशो तो सारो लाभ मळे। कोई नजीकना संबंधी होय, कोई नजीकना मित्र होय तो एवा लोकोनो तमने सारामां सारो सहयोग मळी शके छे। व्यापारनी अंदर सारी आवकनो स्तोत्र प्राप्त थतो जणाशे। आजना दिवसनी अंदर शुं करवुं जोईए? भगवान शंकरने बिल्वदल अर्पण करो, अवश्य शाम सदा शिव तमारी मनोकामनाओने परिपूर्ण करशे। वात करीए कर्क राशिवाळा जातकोने खास करीए ना बुधनु राशि परिभ्रमण केवी असर करशे। त्रीजा ने 12मा स्थाननो स्वामी बनी अने बुध महाराज पोते विराजमान छे 11मा स्थाननी अंदर, जेना लीधे तमारा जीवनमां परिवर्तन लाववुं तमारा माटे बहु जरूरी रहेशे। आ समयमां तमे तमारो आत्मविश्वास जो मजबूत राखशो तो सारामां सारो लाभ मळी शके। सारा व्यक्ति साथे तमारे मिलन मुलाकात थई शके ने आ मुलाकात तमने फायदो आपी शके। परंतु बोलवामां वाणीमां ध्यान राखवुं जरूरी छे। वाणीनी अंदर करेलो प्रयोग क्यांक तमारा संबंधो बगाड़े नहीं ते अंगे तकेदारी राखवी आवश्यक रहेशे। शुं करवुं जोईए? बुधवारना दिवसे भगवान गणेशने 11 दुर्वा अर्पण करी अने ओम गंग गणपतये नमः मंत्रनो जप अवश्य आपने सफलता अपावतो जणाशे। जय गणेश। बिल्कुल। मुकुंद भाई राजपीपळाथी उषाबेन नामना कॉलर आपनी साथे जोड़ाया छे। उषाबेन हेलो। हां हां जणाओ। हां हेलो। एवं करू के बोलो मारा छोकरा विषे पूछवानुं छे। एनी जन्म तारीख छे 23-10। हां 23-10-88 मारा दीकरा माटे पूछवानुं छे। समय 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 1 થી 2 ના ગાળો। બપોરનો કે રાતનો? બપોરનો। બપોરનો। અને જન્મસ્થળ? હા 23-10-98। હવે પેલા હું કહે પેલા ઇઠાસી બોલ્યા। ઉષાબેન ઉષાબેન તમે ફોનના અવાજ ઉપર ધ્યાન આપો, ટીવીના અવાજ ઉપર અત્યારે ના જશો। 23-10-98 જન્મ સ્થળ જંબુસર। ઓકે અને જન્મ સમય? એનો જન્મ સમય 1:30-2 દરમિયાન। બપોરનો ને? હા બપોરનો। ઓકે શું પૂછવાનું હતું? એની નોકરી વિશે ને એના લગ્ન વિશે પૂછવાનું છે। ओके जुओ एमना जन्माक्षर जुवा जाइए तो 23-10-1998 बपोरे 1:30-2 ની વચ્ચે। હવે એ જન્માક્ષર મુજબ મકર લગ્નની કુંડલી બની રહી છે। મકર લગ્ન એટલે થોડો જિદ્દી સ્વભાવ રખાવડાવે। મકર લગ્નનો અધિપતિ શનિ પોતે ચોથા સ્થાનની અંદર બિરાજમાન છે, મેષ રાશિમાં છે, નીચસ્થ બની રહ્યો છે। સૂર્યની શનિ ઉપર સંપૂર્ણ દ્રષ્ટિ છે અને સૂર્ય મહારાજ 10મા સ્થાનની અંદર નીચસ્થ બની રહ્યો છે। સૂર્ય શનિનો સંઘર્ષ યોગ દ્રષ્ટિ દ્વારા બની રહ્યો છે। પેટને લગતી સમસ્યા, સ્વભાવ ઉગ્રની સમસ્યા અને ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો એના જીવનની અંદર વધારે મહેનત કરવા છતાં ફળનું પ્રમાણ થોડુંક ઓછું અપાવે। હવે એ જ જગ્યાએ સૂર્ય બુધ અને શુક્ર 3 ગ્રહો બિરાજમાન છે અને એમાં શુક્ર અસ્તનો છે। શુક્ર અસ્તનો હોવાના લીધે સુખ ઓછું છે, આવી અનુભૂતિ ક્રિએટ કરાવડાવે। હવે આમના જન્માક્ષરની અંદર મંગળ રાહુ પણ સાથે જ અમુક સમયે કોન્ફિડન્સ લેવલ ઘટાડી દે। કયો ઉપાય કરવો જેથી જીવનમાં પ્રગતિ મળી શકે? સૂર્ય શનિ સંઘર્ષ યોગ, મંગળ રાહુ અને ગુરુ કેતુ વિપ્રચારના યોગની પૂજા અવશ્ય કરવી જોઈએ। બની શકે તો દર શનિવારના દિવસે સાંજના સમયે કિષ્કિંધા કાંડનો પાઠ કરવો જોઈએ, એનાથી પણ સારો લાભ મળતો જણાય। અને મંગળવારના દિવસે બને તો મસૂરની દાળ પરિશ્રમ કરતા વ્યક્તિને આપવાની ને 400 ગ્રામ જવ લેવાના। बुधवारे वहता पानी ની અંદર પધરાવવાના, એનાથી પણ સારો લાભ મળતો જણાશે। જય ગણેશ। તો દર્શક મિત્રો ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમમાં સમય થયો છે એક વિરામનો। લઈએ એક વિરામ। જુબાન કે લઈ ઉડી ચાલ્યો પારકાની જમીન પર, ખુશબુ લાગણી ની શોધતો બીજાની જમીન પર। मारी माटी नी आजुबान, मारी माटी नी आजुबान छे मुझथी दूर मायलो दूर पण आ दिल छे जे साथी रह्यु छे एज शब्दोनुं आ नूर नूर अने दूर गमे तेटला जाओ आ जुबान थी दूर नहीं जई शको। विमल बोलो जुबान केसरी। अरे आ रहे हो एक जोरदार शॉट, बहुत सीधो स्टार की बात है। एक्चुअली हमारा नवा फिल्म अपन पे मम्मी मम्मी तुम्हारा नाम मिसेस डॉक्टर डॉक्टर नेहा शर्मा। खरीदो 4 संतूर 100 ग्राम साबुन अने मेळवो 1 कोलगेट टूथपेस्ट सदन मफत। क्या आप जानते हैं टॉयलेट और बाथरूम की सतहों पर बीमारी फैलाने वाले जर्म्स और वायरस 8 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। रिसर्च ने साबित किया है कि नीला हार्पिक न सिर्फ कड़े दाग हटाए पर मारे वायरसेस और 99.9% जर्म्स, और लाल हार्पिक आपके बाथरूम की बेसिन, टाइल्स और फर्श को रखे साफ और 99.9% जर्म फ्री। चुनिए हार्पिक। बीमारियाँ बढ़े तो प्रोटेक्शन भी बढ़ानी जरूरी है, इसीलिए हमने बनाया नया बेस्ट एवर डेटॉल। ये प्रोटेक्ट करे 99.99% जर्म से, इंक्लूडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। दे हायर TFM पावर और फ्रेश फील। डेटॉल बी 100% श्योर। हमने दिया आपकी टॉयलेट की सफाई को ओपन चैलेंज। हर किसी में दम आज से है। हमने आज ही डिटर्जेंट से साफ किया है। ये देखिए आज जब नए नए इन्फेक्शन फैल रहे हैं तो टॉयलेट को सिर्फ साफ नहीं स्वच्छ बनाना। हार्पिक 10X मैक्स क्लीन जो कड़े दाग हटाए मारे 99.9% जर्म्स और कोविड-19 वाले कोरोना वायरस को भी। टॉयलेट को साफ नहीं स्वच्छ बनाए। मम्मी जी टॉयलेट हाँ है ना। ओ ये तो हार्पिक का जमाना है, टॉयलेट को साफ नहीं स्वच्छ बनाना है। गाढ़े नीले हार्पिक का सिर्फ एक चक्कर, डिटर्जेंट के मुकाबले हार्पिक हटाए कड़े दाग और मारे वायरसेस और बीमारी फैलाने वाले कीटाणु भी। अब से साफ नहीं स्वच्छ, वो भी सिर्फ 38 रुपए में। आज इस नंबर पर कॉल कीजिए और जुड़ जाइए इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनेरिक फार्मेसी चेन दवा इंडिया से। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसी हो बेटी? बहुत अच्छी हूँ मम्मा। बेटी ससुराल में सब आपका आशीर्वाद है और राजानी का साथ है। राजानी में साला जीवन भर का अटूट बंधन। अरे आ रहे हो एक जोरदार शॉट, बहुत सीधो स्टार की बात है। एक्चुअली हमारा नवा फिल्म अपन पे मम्मी मम्मी तुम्हारा नाम मिसेस डॉक्टर डॉक्टर नेहा शर्मा। खरीदो 4 संतूर 100 ग्राम साबु अने मेळवो 1 कोलगेट टूथपेस्ट सदन मफत। विराम बाद भविष्य दर्शन कार्यक्रम में दर्शक मित्रों आपनु स्वागत है। आपणी साथे स्टूडियो में जोड़ाया है ज्योतिषाचार्य मुकुंदभाई पंड्या। मुकुंदभाई हवे सिंह अने कन्या राशिना जातकोनो आजनो दिवस केवो रहेशे ते जणावशो। दर्शक मित्रों बात कर रहा है गोचरना ग्रहों की 5मी राशि एटले के सिंह राशि पर केवी असर। बात करिए सिंह राशि की मोने ट अक्षरवाड़ी राशि। आज दिवस में जो तमे शेर बजार में इन्वेस्टमेंट करवा मांगता हो तो अवश्य आपने सारो लाभ मिली शके एम छे। आज सिंह राशिवाळा जातको पोताना शत्रु पर विजय मेळवी शकशे, सारो एवो लाभ मेळवी शकशे। सिंह राशिवाळा जे जातको छे आवा जातकोने आज व्यवसायनी अंदर उत्तम लाभ मळवानी संपूर्ण शक्यताओ बनी रही है। कयो उपाय करवो जोईए जेथी आपने सुंदर लाभों मिली सके? आजे बनी सके तो आदित्य हृदय स्तोत्रनो पाठ करी तमारा दिवसनी शुरुआत करो, अवश्य लाभ मळशे। बात करिए बुधना राशि परिवर्तननी सिंह राशिवाळा जातको उपर केवी असर। बीजा ने 11मा स्थाननो स्वामी बनी 10मा स्थाननी अंदर आ बुध महाराज राहुनी साथे विराजमान रहेशे, जे जड़त्व दोषने बनावी रह्या छे, जेना लीधे तमारा नवा नवा आइडिया तमने कार्यनी अंदर लाभ अपावशे। तमने अलग अलग वस्तुओं प्रत्येनी रुचि तमारी वधती जणाशे। सारी बाबतोनी अंदर तमे ध्यान आपशो तो अवश्य प्रगति करी शकशो, पॉजिटिव थिंकिंग करशो तो अवश्य तमने सारो लाभ मळी शके। स्वास्थ्य बाबते सावचेती राखवी तमारे जरूरी रहेशे। शुं उपाय करवो जोईए? भगवान गणेश ने सिंदूर अर्पण करवू दर बुधवारना दिवसे, आपने लाभ मळशे। वात करीए कन्यानी। कन्याना अक्षर छे पठ अने हण, जेनो स्वामी बनी रह्यो छे बुध। आवा कन्या राशिवाळा जातको माटे आजना दिवसमां अजाण्या व्यक्ति साथेनो व्यवहार तमने नुकसान करावी शके छे, माटे व्यवहारनी अंदर तमारे सावचेती बरतवी बहु ज जरूरी छे। आवकनी अंदर साधारण वधारो जोवा मळशे। आजना दिवसमां नाणाकीय खर्च तमारो वधी न जाय ते अंगे परेजी राखवी पण बहु ज जरूरी रहेशे। परिवारजनोनो मित्र सर्कलनो संपूर्ण सहयोग मळी शके। कयो उपाय करवो? पीपळाना वृक्षनी नीचे सरसवना तेलनो दीवो आजे करीने हनुमान चालीसानो पाठ करवाथी आपने सुंदर लाभो मळी शके छे। वात करीए कन्या राशिवाळा जातकोने बुधनु राशि परिभ्रमण केवी असर करशे। तमारी राशिने 10मा स्थाननो स्वामी बनी अने आ बुध महाराज 9मुं एटले के भाग्य अने धर्मना स्थाननी अंदर विराजमान रहेशे, जेना लीधे तमारा परिवारनी अंदर तमारे व्यस्तता वधी शके छे। जीवनसाथी साथे थोड़ा घणा मतभेदो सर्जाई शके छे अने आ समयनी अंदर जो तमे मेनेजमेंटथी काम करशो तो अवश्य तमने लाभ सारो एवो मळी शके एम छे। गणेश सहस्रनाम स्तोत्रनो पाठ दर बुधवारना दिवसे करवाथी आपने सारो लाभ मळतो जणाय। जय गणेश। बिल्कुल। राजकोट थी एक प्रभाबेन नामना कॉलर आपनी साथे जुड़ाया छे। प्रभाबेन, जय गणेश। मारा दीकरा विषे पूछवानुं छे। आपना दीकरानुं नाम? एनी अमे सागर कहीए ने राशि कई आवे हूं कहूं 16/10/91 जन्म तारीख। 16/10/1991। समय तमारे सवारे 7 वागे। सवारे 7 वागे। 7 वागे। जन्म स्थळ राजकोटनी बाजुमां मौड़ी गाम। राजकोटनी बाजुमां मौड़ी गाम। एनी राशि आवे छे मकर। शुं पूछवानुं हतुं? एना लग्नना योग कदी चालू थाय छे? लग्न माटे दर्शक मित्रों चंद्र अने गुरु बे ग्रहो कारक छे, ज्यारे दांपत्य जीवनने टकावी राखवा माटे शुक्र ग्रह अने स्वाभाविक रीते सप्तम स्थान जोवुं बहु ज आवश्यक होय। नवमांश कुंडलीनो अभ्यास कर्या पछी लग्न माटेनी आपणे सचोट वस्तु जोई शकता होईए, कारण के दरेक कुंडली अलग अलग वस्तु बतावती होय। लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, द्वादशांश, वेदांश, अक्षर वेदांश, सप्तमांश, द्वादशांश, त्रिशांश आवी अलग अलग प्रकारनी कुंडली होय छे, जेनी अंदर नवमांश कुंडलीनी अंदर 7मा स्थानमां केतु महाराज विराजमान छे। एटले के आपना पुत्रना कुंडलीनो अभ्यास करता लग्नमां 90 થી 99% वातो आवीने अटकी जाय। चंद्रशनिनो विषयोग अमुक समये मेंटली डिस्टर्बन्स क्रिएट करावडावे। सप्तम अधिपति मंगळ पहला स्थाननी अंदर मंगळ दोषनुं सर्जन करी रह्यो छे। धर्म प्रत्ये श्रद्धा होवा छतां शंका कुशंकानुं प्रमाण पण रखावडावे। हवे आनो लग्ननो योग चालू थई रह्यो छे बेन। आगामी जून महीनानी 25 तारीख पछी राहुमां बुधनी महादशा एने चाली रही है। 25 जून पछी प्रयत्न करवाथी सारो लाभ मळे, परंतु चंद्र शनिना विषयोगनी पूजा अवश्य करवी जोईए। बनी शके तो पोताना माताना शरीरने स्पर्श थयेली चांदीनी वस्तु धारण करवी जोईए। शंकर भगवानने रोजने माटे जल अर्पण करवुं जोईए अने मंगळवारे भाखरीने गोळ गायने आपवाथी पण सारो लाभ मळी शकशे। जय गणेश। बिल्कुल। मुकुंद भाई हैदराबाद थी अंकित भाई नामना कॉलर आपनी साथे जोड़ाया छे। अंकित भाई। गणेश साहेब। हेलो अंकित भाई। जय गणेश। जय गणेश साहब। अपनी जन्म तारीख 6/7/1983। 6/7/1983। 83। समय सवारे 6 ने 10। सवारे 6 ने 10। जन्म नु स्थल विजापुर कोलोड़ा। ओके। शु प्रश्न पूछवानो हतो? प्रश्न साहेब एवो तो के आपड़ा नाणाकीय बहुत तकलीफ पड़े छे, पति पत्नी अनबनाव रहे छे अने धंधा में प्रगति नहीं। आप कई जगह बात कर रहा छो? आप अत्यारे हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद की अंदर शुं छे कोरोनानी परिस्थिति? नहीं एटली बधी 50% ओछी छे। ध्यान राखजो तमारुं। चलो बात करी लईए हवे तमारा जन्माक्षर माटेनी। सूर्य मंगळनो अंगारक योग बुध अने राहु बन्ने ग्रहो साथेने सप्तम स्थाननी अंदर केतु महाराज। दर्शक मित्रों पहला स्थाननी अंदर सूर्य मंगळ राहु ने बुध 4 ग्रहो विराजमान छे, जेना लीधे स्वभाव क्यारेक तमारो उग्र बनावी दे। साइंटिफिकली रीजन द्वारा वस्तु पर भरोसो बेसे बाकी न बेसे। अमुक समय एकलू रहेवू गमे ने सप्तम स्थान नी अंदर केतु महाराज दांपत्य जीवन नी अंदर तकलीफ करावडावे, वैचारिक मतभेदो उत्पन्न करावडावे। उच्चनो शनि चंद्र महाराज उपर दृष्टि करी रह्यो छे, जेना लीधे अमुक समय माइंड तमारुं कन्फ्यूज थाय, क्यारेक कॉन्फिडन्स लेवल तमारुं घटी जाय। કયો ઉપાય કરવો જેથી દાંપત્ય જીવનનું સુખ સારું મળે, તમારા વ્યવસાયની અંદર તમને સારો લાભ મળી શકે, તમે જે પ્રગતિ કરી શકો ને તમને સારો એવો લાભ મળે, તો એના માટે તમારે દર અમાવસ્યાના દિવસે પીપળાની પૂજા અવશ્ય કરવી જોઈએ, કારણ કે પહેલે રાહુ ઉગ્ર પિતૃદોષનું સર્જન કરે, માટે બની શકે તો દર અમાવસ્યાના દિવસે પીપળાના વૃક્ષની પૂજા કરો, કોઈ ગરીબ વ્યક્તિને અમાવસના દિવસે ભોજન કરાવડાવો અને ચંદ્ર શનિ વિષ યોગ અને સૂર્ય મંગળ અંગારક યોગ અને સૂર્ય રાહુ ગ્રહણ યોગની પૂજા અવશ્ય કરાવો, आपने सुंदर मजाना लाभो मळता जणाशे। जय गणेश। बिल्कुल मुकुंद भाई, हवे तुला अने वृश्चिक राशिना जातकोनो आजनो दिवस केवो रहेशे ते जणावशो। दर्शक मित्रो, वात करी रह्या छीए सप्तम राशि एटले के तुला राशिनी। तुलाना अक्षर छे र ने त, जेनो स्वामी बने छे शुक्र महाराज। आवा तुला राशिवाळा जातको माटे आजे समझदारीथी जो तमे कोई पण काम करशो तो अवश्य तमने लाभ मळी शके, कारण के तमारी समझदारी तमने जीवनमां प्रगति लावी शके छे। जूना मित्र साथे मिलन मुलाकात थाय, जूनू ए सोनू, एटले अवश्य तमने सारो लाभ मळतो जणाय। तमारा स्वास्थ्य माटे आजे तकेदारी राखवी बहु ज जरूरी बनी रही है। आजे कयो उपाय करवो जेथी सारो लाभ मळी शके, सुंदरकांडनो पाठ बने तो आजे बपोरना समये तमे करशो तो आपने सारो लाभ मळी शकशे। वात करीए बुधनुं राशि परिभ्रमण तुला राशिवाळा जे जातको छे आ जातकोने केवी असर करशे। बुधनुं परिभ्रमण तुला राशिवाळा जातको छे ने 9मा अने 12मा स्थाननी अंदर, 9मा अने 12मा स्थाननो अधिपति बनी अने 8मा स्थाननी अंदर आ बुध महाराज पोते विराजमान रहेशे, जेना लीधे तमारे निर्णय खोटो तमे लेवो लो एवी समस्याओं सर्जाई शके एम छे। आ समयमां तमारे अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। एटले अमे ज्यारे भणता त्यारे एवुं कहेवामां आवतुं के आळसूने विद्या न होय, विद्या वगरनाने मित्र न होय, मित्र वगरनाने सुख न होय। एवी रीते तमे जो तमारा जीवनमां आळसनो आजे त्याग करशो तो तमने सारो लाभ आ 26 दिवस दरमियान मळतो जणाशे। समझदारीथी काम लेशो तो अवश्य तमने तमारा कार्योने तमे सिद्ध करी शकशो। कयो उपाय करवो जोईए? लीला कलरनो पत्थर, लीला कलर मग पानी नी अंदर बदलावो, अवश्य लाभ मळशे। वात करीए वृश्चिक राशिनी। वृश्चिकना अक्षर जे न ने य, जेनो स्वामी बने छे मंगल महाराज। आवा वृश्चिक राशिवाळा जे जातको छे आवा जातकोने आज कामकाजना स्थळे तमारुं मन प्रसन्न रहेतुं जणाशे। आजना दिवसनी अंदर तमारुं मन कॉन्फिडन्स लेवल तमारुं वधतुं जणाय। शेर बजारनी अंदर जो तमे इन्वेस्ट करी रह्या छो तो अवश्य सारा लाभो मळवानी संपूर्ण शक्यता छे। व्यवसायनी अंदर नवा नवा कॉन्ट्राक्ट मळी शके, परंतु कोरोना काल चाली रह्यो छे, बहार न निकळता समझदारीपूर्वक काम करशो तो सारो लाभ मळशे। कयो उपाय करवो जोईए? आजे बनी शके तो कीडियारू पूरो घऊनो लोट लई अने पीपळाना वृक्षनी नीचे लाल कलरनी कीडीओ जे उभराती होय ते जग्याए एने खवडावशो तो अवश्य आपने सारो लाभ मळशे। वात करीए वृश्चिक राशिवाळा जातकोने आ बुधनु राशि परिभ्रमण केवी असर करशे। 8मा ने 11मा स्थानना स्वामी बनी दांपत्य जीवनना स्थाननी अंदर आ बुध महाराज राहुनी साथे विराजमान रहेशे, जेना लीधे तमारे खर्च घटाडवो अवश्य रहेशे, कारण के आवक करता जावकनुं पासुं वधी शके। आमदनी 98, खर्चा रुपया जेवी स्थितिनुं सर्जन थतुं जणाय। आ समयगाळानी अंदर संपत्तिने लगतो जो कोई विवाद होय तो ए विवादने परिपूर्ण करी शको। बनी शके तो तमारे सोशियल मीडिया ना माध्यम द्वारा तमारी बुद्धि क्षमता टेक्नोलॉजी नो उपयोग करीने तमे तमारा कार्यनी अंदर प्रगति प्राप्त करी शकशो। कयो उपाय करवो जोईए? बुधवारना दिवसे 21 गोळना नाना कटका ने 21 दुर्वा ए तमे भगवान गणेशने अर्पण करो। ओम लंबोदराज नमः मंत्रनो जप करो, अवश्य भगवान गणपतिनी कृपा आपने प्राप्त थती जणाशे। जय गणेश। बिल्कुल मुकुंद भाई, जूनागढ़थी हंसाबेन नामना कॉलर आपणी साथे जोड़ाया छे। हंसाबेन, हाँ जय गणेश मुकुंद भाई। जय गणेश। हाँ, मारे मारा दीकरा विषे पूछू छे, एनी जन्म तारीख छे 25/8/93। जन्म समय वेली सवारे 4:30 पोरबंदर। वेली सवारे 12:30 एटले के लेट नाइट, बरोबर ने? 4:30। ओके, जन्म स्थळ पोरबंदर। पोरबंदर। शुं प्रश्न हतो बेन? ए सारी कंपनी में जॉब करे छे, एमबीए कर्यु छे, पण हवे एना लग्न योग क्यारे छे, केवुं पात्र मळशे अने वातोय बहुत आवे छे पण वात आगळ न चालती, तो हवे एनो काई उपाय होय तो एनी मम्मी एना माटे हुं शुं उपाय करी शकूं? जो पहली वस्तु है जे के मन जेनु सारू ने ए व्यक्तिना जीवननी अंदर दरेक प्रकारनी समस्यानो हल लावी शकाय। जेनु मन स्थिर नथी ने एवा व्यक्तिने समस्याओ वधारे पड़ती रहे। चंद्र राहुनो ग्रहण योग मन द्विधामय करावडावे, થોડીકવાર આમ કરવું, થોડીકવાર આમ કરવું, આવી સ્થિતિનું સર્જન કરાવે। કર્કનો શુક્ર શરદી કફ પિત્ત જેવી સામાન્ય બીમારીનું પ્રમાણ અમુક અમુક સમયાંતરે કરાવે। પહેલા સ્થાનની અંદર શુક્ર મહારાજ શૃંગારની અંદર સારી રુચિ રખાવે, લાગણીશીલ સ્વભાવ હોય, પરંતુ ગુરુ અને મંગળનો ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો ત્રીજા સ્થાનની અંદર બિરાજમાન છે અને કર્માધિપતિ મંગળ ત્રીજા સ્થાનની અંદર હોવાના લીધે ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા હોવા છતાં શંકા કુશંકા થોડી ઘણી રહ્યા રાખે। હવે કયા ઉપાયો કરવા જેથી એમને લગ્ન જીવનનું સુખ સારું મળે? બેન, પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે 5મે ચંદ્ર રાહુનો ગ્રહણ યોગ છે ને નાગદોષ બની રહ્યો છે, એની પૂજા આપ અવશ્ય કરાવજો। હવે તમે એવું કીધું કે મમ્મી કરે તો કઈ રીતે ફાયદો થાય, તો હવે તમારા દીકરાની જગ્યાએ તમે જમી લ્યો તો એને ભૂખ નથી લાગતી, એવું બને ના બને। દરેક વ્યક્તિને પૂર્વ જન્મના ગ્રહ અનુસાર, પૂર્વ જન્મના કર્મ અનુસાર એના ગ્રહો મળતા હોય, એના ઉપાયો પોતે જાતે જ કરવાના હોય। હા, અમુક ઉપાયો એવા છે કે માતા પિતા अथवा पत्नी अथवा पति करे तो एने लाभ मळे, परंतु बीजा उपायों तो एने जाते ज करवा पड़े। चंद्र राहुना ग्रहण योगनी पूजा करवाथी सारो लाभ मळतो जणाशे। साथे साथे बनी शके तो गुरुनो ओरिजिनल पोखराज पहली आंगळीनी अंदर 4.5 कैरेटनो धारण करावी देजो। आगामी समयनी अंदर एटले के ऑगस्ट महीना पछी वृश्चिक, कुंभ, मिथुन अने कन्या राशि साथे एने लेणादेणी सारी रहेशे अने आ समयगाळामां लग्नना योगो बनी रह्या छे। जय गणेश। मुकुंद भाई सरोजबेन जोड़ाया छे वडोदराथी। सरोजबेन। हाँ, मारे सीनियर सिटीजन छू तो राशि प्रमाणे असर थाय। सीनियर सिटीजन छुओ तो राशि प्रमाणे तो असर थाय ज ने, कारण के राशि छे मन छे बेन। तमारा मन उपर तमारो काबू होवो तो जरूरी छे ने, एटला माटे अवश्य राशिनी असर थाय। तमारुं नाम बीजा नाम उपर होय अने तमे मानी लो के तमारी राशि अलग होय तो बंने राशि तमारे भोगववी पड़े, एटले बंनेनी असर थाय हो। बिल्कुल। दर्शक मित्रों अमारी साथे जोड़ायेला रहेजो। हजू आगळ अन्य राशि जे छे धन, मकर, कुंभ अने मीन आ चार राशिओनुं राशि भविष्य पण जाणवानुं छे, साथे ज आजे शुं करवुं शुं न करवुं, मंत्र अने दान पण जाणवानुं छे। तो समय थयो छे एक ब्रेकनो, लईए एक ब्रेक। विराम बाद भविष्य दर्शन कार्यक्रम में दर्शक मित्रों आपनु स्वागत है। आपनी साथे स्टूडियो में जोड़ाया है ज्योतिषाचार्य मुकुंद भाई पंड्या। मुकुंद भाई, हवे धन, मकर, कुंभ अने मीन आ चार राशिना जातकोनो आजनो दिवस केवो रहेशे ते जणावशो। दर्शक मित्रों बात करी रह्या छीए नवमी राशि एटले के धन राशिनी। धनना अक्षर छे भ, ध, फ अने ढ, जेनो स्वामी बने छे गुरु महाराज। आवा धन राशि वाला जातकों माटे आजना दिवसनी अंदर केवो लाभ अने केवुं नुकसान? तो कहे धन राशि वाला जातकों ने व्यवसायनी अंदर उत्तम तक मळवानी संपूर्ण शक्यताओ छे, परंतु आपे खोटा खर्चा उपर काबू राखवो बहुज जरूरी छे। आज आवक करता जावकनुं पासुं वधी शके छे, कामकाजनी अंदर वधारे पड़ती मेहनत करवी पड़शे, पछी तमने फळनी प्राप्ति थशे। आज कयो उपाय करवो जोईए जेथी आपने सारो लाभ मळतो जणाय? आज बनी शके तो भगवान गणेशनी आराधना करो, अवश्य आपने लाभ मळतो जणाशे। वात दर्शक मित्रों करीए धन राशि वाला जातको एना माटे आ बुधनु राशि परिभ्रमण केवी असर करशे। 7मा अने 10मा स्थाननो स्वामी बनी अने 6ठा स्थाननी अंदर आ बुध महाराज पोते बिराजमान रहेशे। 6ठुं स्थान ए रोगनुं स्थान छे, माटे नाना मोटा रोगो सर्जावानी संपूर्ण शक्यताओ छे। पार्टनरनी अंदर थोड़ी घणी तकलीफ रहती जणाशे। आ समयमां उधार नाणां लेवा न पड़े ते अंगे परहेजी राखवी बहु जरूरी छे। कयो उपाय करवो जोईए? भगवान गणेशने बुधवारना दिवसे मोदकनो प्रसाद अर्पण करो, अवश्य लाभ मळशे। वात करीए मकरनी। मकरना अक्षर छे ख ने ज, जेनो स्वामी बने छे शनि महाराज। आवा मकर राशि वाला जातकों माटे संपत्तिने लगता कामकाजनी अंदर अवश्य आपने लाभ मळतो जणाशे। नाणाकीय स्थिति तमारी सुधरती जणाय, आवकनुं पासुं वधी शके, परंतु आजना दिवसनी अंदर तमे तमारा मन उपर काबू राखी अने काम करशो तो अवश्य तमने सारो लाभ मळी शके। राजकीय बाबतथी, राजकीय कामकाजथी थोड़ुं घणुं ध्यान राखवुं जरूरी छे। कयो उपाय करवो जोईए? आजना दिवसनी अंदर बने तो भगवान शिवनी आराधना करो, अवश्य लाभ मळतो जणाशे। वात करीए मकर राशि वाला जातकोने बुधनु राशि परिभ्रमण केवी असर करशे। 6ठा ने 9मा स्थाननो स्वामी बनी अने 5मा स्थाननी अंदर आ बुध महाराज पोते बिराजमान रहेशे। एटले तमे अत्यारे कोरोना काल चाली रह्यो छे, घरनी अंदर रहो, सुरक्षित रहो। स्वस्थ स्वास्थ्यने लगती थोड़ी घणी समस्याओ तमारे सर्जाती जणाशे। आर्थिक बाबते सामान्य खर्च तमारे वधी शके छे। आजना दिवसमां एटले के मीन्स के तमारे आ बुधना राशि परिभ्रमणमां 26 दिवसनी अंदर सारो लाभ मेळववा शुं करवुं जोईए? बुधवारना दिवसे श्वेतार्क गणपतिनी तमारे पूजा करवी जोईए, अवश्य लाभ मळशे। ने हवे वात करीए कुंभ राशिनी। कुंभना अक्षर छे ग, श, श ने स, जेनो स्वामी बने छे शनि महाराज। आमा कुंभ राशि वाला जातकों माटे आजे वेपारनी अंदर तमने नवा विचारों द्वारा लाभ मळी शके। दिने दिने नवम नवम नवा नवा विचारों तमारा कार्यनी अंदर लाभ मळे। आ आत्मबळनी अंदर तमने वधारो थतो जोवा मळशे। आज कयो उपाय करवो जेथी आपने सारो लाभ मळे। आजना दिवसमां बने तो जूनी चिंताथी जूनी परेशानीथी मुक्ति मेळववी तमारा माटे लाभदायी रहेशे। भगवान शंकरनी आराधना करो, आवकनो नवो स्त्रोत्र जळवाशे ने तमने सारा लाभो पण मळी शकशे। कुंभ राशि वाळा जे जातको छे ने माटे बुधनु राशि परिभ्रमण पांचमा ने आठमा स्थाननो स्वामी बनी चौथा एटले के सुख स्थाननी अंदर आ विराजमान रहेशे, जेना लीधे दांपत्य जीवननो सुख तमने उत्तम प्राप्त थई शके छे। प्रेम संबंधोनी अंदर तमने लाभ थई शके छे। नवा नवा आइडिया तमने नवुं काम अपावी शके छे। खोटुं रोकाण न करवुं तमारा माटे हिताव छे। भगवान गणेशने दुर्वा अने लाल फूल अर्पण करो, अवश्य आपने सारो लाभ मळतो जणायने। हवे वात करीए मीन राशिनी। मीनना अक्षर छे द, च, ज अने थ, जेनो स्वामी बने छे गुरु महाराज। आवा मीन राशि वाला जातकों ने परिवार नी अंदर कोई व्यक्ति नी स्वास्थ्य ने लगती चिंता तमने सतावी शके छे, माटे परिवार ना सभ्यों नी स्वास्थ्य ने लगतु ध्यान राखवु जरूरी छे। कर्म क्षेत्र नी अंदर विरोधीओ तमने परेशान करशे, परंतु बने तो भगवान कृष्ण नी उपासना करो। परिवार नी अंदर शांति जळवाय एवा उपायों करो, अवश्य आपने लाभ मळे। जमीन मकान वाहन वगैरेनु सुख तमने सारू प्राप्त थाय। क्लीम कृष्णाय नमः मंत्रनो जप अवश्य आपने सफलता आपी शके। बात करिए मीन राशि वाला जातको छे एने बुधनु राशि परिभ्रमण केवी असर करशे। चौथा अने सातमा स्थाननो स्वामी बनी अने त्रीजा स्थाननी अंदर रहेशे, जे भाई बहननु स्थान छे। तो आ स्थाननी अंदर बुध महाराजनु परिभ्रमण लेवाना लीधे पारिवारिक जीवनमां तमने लाभ मळतो जणाय, घरकामनी अंदर तमने फायदो मळतो जणाय। परंतु जो तमे परिवारजनों साथे अवा कपरा काळनी अंदर ग्रुप डिस्कशन करी अने कोई पण वस्तु माटेना निर्णयो लेशो तो अवश्य ए निर्णयो कारगर निवडशे ने तमने सारो लाभ आपी शके छे। कयो उपाय करवो जोईए? बुधवारे शिवलिंग उपर 21 बिलीपत्र चढ़ावो, अवश्य भगवान शिवनी तमने कृपा प्राप्त थशे अने बुधनु सकाळ। तो विराम बाद भविष्य दर्शन कार्यक्रम में दर्शक मित्रों आपनु स्वागत है। अपनी साथ स्टूडियो में जोड़ाया है ज्योतिषाचार्य मुकुंद भाई पंड्या। मुकुंद भाई हवे जणावशो के आज शुं करवुं जोईए, शुं न करवुं जोईए, कयो मंत्र जपवो जोईए, कयो दान आपवुं जोईए? दर्शक मित्रों आज शुं करवाथी तमने तमारा जीवन में सारा में सारी सफलता मळी शके। कोविड-19 नो कहर आखी दुनिया उपर छे अने एमां पण भारत देश उपर वधारे छे। तो दर्शक मित्रों हमेशाने माटे बीजा व्यक्तिने काम लागू है बहुत महत्वपूर्ण है, कारण के परोपकाराय साधुनाम एटले जरूरियातमंद व्यक्ति ने जो तमे मदद करशो तो अवश्य तमने सारा में सारो लाभ मळी शके। भगवाननी असीम कृपा तमने प्राप्त थती जणाय। आज शुं न करवुं जोईए आजना दिवसनी अंदर बनी शके तो तमारे अभद्र वाणी वर्तननो त्याग करवो जोईए। कोईने खोटू लागी जाए एवा वाक्य तमारे न बोलवा जोईए तो अवश्य आपने सारो लाभ मळे। कयो मंत्र तमारा जीवन में चमत्कार लावी शके? मननी शांति जरूरी छे अने आपड़ा मंत्रोनी अंदर एक प्रकारनो ध्वनि रहेलो होय छे ने ए ध्वनि आपणने मननी शांति अर्पण करे छे। तो आजना दिवसमां ओम कोणस्थाय नमः आ मंत्रनो जप अवश्य आपने सफलता अपावे ने। ज्यारे दाननी वात आवती होय त्यारे आजना दिवसनी अंदर जो दान करवा जेवी कोई वस्तु होय तो ए छे गरीबोने पगरखानु दान करो, अवश्य तमने शनि ने लगती समस्या दूर थशे ने सारो लाभ मळतो जणाशे। जय गणेश। बिल्कुल मुकुंद भाई आप उपस्थित रह्या, खूब सरस माहिती आपी ते बदल आपनो खूब खूब आभार। तो दर्शक मित्रों भविष्य दर्शन कार्यक्रम में हाल बस आटलू ज। मुकुंद भाई पंड्यानी रूबरू मुलाकात लेवी होय तो तेमनुं सरनामु अने नंबर खास नोंधी लेशो। त्यां सुधी मने आपशो रजा। जय गणेश।